हेलो क्लास एट। देखिए बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है ना, कि मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर क्या होता है। तो ये हमने पाया था कि द मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। ओके, सी इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर हम नॉर्मली, अभी पता है हमें, लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, एक मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ये ध्यान देखना, एसिड जो है बी को आर में करेगा और बेस जो होगा वो आर को बी में करेगा, मतलब रेड को ब्लू करेगा। ये ध्यान देना, एसिड जो होगा बी आर और बेस जो होगा वो आर बी, ऐसे ऐसे ध्यान रख सकते हो। उस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं बेसिक और एसिडिक नेचर। अब हमें यह हमें पता चल गया कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड या वी विल टेस्ट दैट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। सी जनरली जो प्रॉपर्टीज होती है लगभग अपोजिट ही होती है मेटल और नॉन मेटल। जैसे अगर मेटल ऑक्साइड हमने अभी, हालांकि कंक्लूजन बाद में हम निकालेंगे, जैसे हमने जनरली देखा कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक आ रहे हैं तो नॉन मेटेलिक एसिडिक होंगे। ये यही आता है लगभग, कभी कभी कुछ केसेस में नहीं भी आता है, लेकिन ज़्यादातर केसों में यही आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैंने रिजल्ट पहले बता दिया, डिसीजन वही आएगा, देखते हैं, मतलब रिजल्ट वही आएगा, डिसीजन नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या कैसा नेचर रखेंगे, ठीक है बेटा। ये है एक्टिविटी 4.4 से हम देखते हैं। सी टू बी डिमॉन्स्ट्रेशन बाय द टीचर इन द क्लास। ये इस वजह से लिखा है क्योंकि प्रिकॉशंस ज़्यादा हैं इन सारे एक्टिविटी में, हालांकि हम करने नहीं जा रहे हैं, हमें केवल समझना है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर, सल्फर लेना है, ये नॉन मेटल है, इन ए डिफ्लेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट, कुल मिला के। और इफ़ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल यू मे टेक ए मेटेलिक कैप ऑफ एनी बॉटल एंड रैप ए मेटेलिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप ऑफ शोन इन द फिगर। मतलब डिफ्लेग्रेटिंग स्पून अगर नहीं अवेलेबल है तो ये कुछ अरेंजमेंट करना है, उसमें हम वो हीटिंग वाला प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब प्रॉपरली जो रिजल्ट है इतने का वो ये है कि हम नॉन मेटल को हीट करेंगे। नॉन मेटल पे हमने सल्फर लिया है, इसको हीट करेंगे। हीट करने का मतलब होगा कि ऑक्सीजन से रिएक्शन, और ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना बेटा। आगे देखते हैं, नोट्स जरूर बनाते चलें। सॉरी, एज सुन एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, जैसे ही सल्फर बर्न स्टार्ट करना स्टार्ट हो, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार। इस तरीके से गैस जार में डाल देना है स्पून को, ठीक है ना। ग्लास जार या ग्लास टम्बलर दोनों लगभग एक ही चीज़ होती है। कवर द टम्बलर विद ए लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। इसको ढक देना है जैसे गैस निकल ना पाए यहाँ से। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, स्पून थोड़ी देर बाद निकाल देना है। थोड़ी देर बाद इसलिए निकालना है क्योंकि उसमें जो सोल्यूशन जो बर्न हो रहा था, सोल्यूशन कर रहा हूँ, जो कंपाउंड बर्न हो रहा था वो पूरी तरह से उसमें हो जाए। एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। थोड़ा सा पानी डाल के जल्दी से लिड को, मतलब फिर से ढक देना दूसरे किसी लिड से, ठीक है ना। शेक द टम्बलर वेल, अच्छे से उसको शेक करना है। चेक द, अब देखो, अब जो सोल्यूशन नीचे बन जाएगा इसमें उसको किससे, देखिए हमने आपको बता दिया कि नॉन मेटल है वो ब्लू को, सॉरी, शेक द टम्बलर वेल, चेक द सोल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये हमने आपको बता दिया है कि एसिड और बेस का नेचर क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब ऐसा नहीं है कि हमने आपको बता दिया कि नॉन मेटल है कि ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो आप केवल ब्लू को लें और उसको रेड में कर, नहीं, दोनों लेना। अभी हमें पता नहीं है ना कि नेचर क्या है, इसलिए हम दोनों लिटमस पेपर से चेक करेंगे अभी, क्योंकि नेचर हमें पता नहीं है कि वो एसिड है या बेस, ठीक है ना। ये सारा, तो ये सारा अरेंजमेंट दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना। इस सोल्यूशन को लेंगे, देखिए यहाँ पे पलटने के बाद दोनों लिटमस पेपर से चेक कर रहा है यहाँ पे, है ना। ये टेबल अभी मैं बताता हूँ क्या करना है, इसमें ये आपका होमवर्क है। इस टेबल को छोड़ के बाकी आगे प्रोसीड करते हैं।
द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, वो जो ऊपर हुआ है जो जलाया गया है सल्फर को, फॉर्मड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब यस और ओ टू मिलेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन मिलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड यस ओ टू बनाएंगे, ये दे रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म। ये पहले जलाया गया था, उसके बाद उसमें वाटर भी तो ऐड किया गया था, तो वाटर ऐड होने के बाद वो सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है। द रिएक्शन कैन बी शोन एज फॉलोज। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बना, सल्फर को जब जलाया गया तब सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें वाटर ऐड करने के बाद सल्फ्यूरस एसिड बना। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी इस वजह से कि सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। सल्फ्यूरस का H2SO3 है और सल्फ्यूरिक का H2SO4 है, ये ध्यान रहे। सल्फ्यूरिक का SO4 है। तो यहाँ जो इस वाले केस में होगा वो सल्फ्यूरस बनेगा, ओके सल्फ्यूरस। द सल्फ्यूरस इज, अब सल्फ्यूरस एसिड सोल्यूशन आ गया, अब इसको देखना है कि ये एसिड है या बेस है। तो द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। रेड रेड वाले लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन ब्लू पे जैसे ही आप डालोगे वो रेड कर देगा। तो इससे यही प्रूफ हो गया कि वो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है उनका जो सोल्यूशन होगा वाटर में वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। और यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया कि जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7। रिकॉल करिए, अगर कुछ ध्यान आ रहा है तो लिखिए कॉपी में। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। ओके, ये 4.4 है, इसमें उसी ये बताया था ना मैं आपको क्या करना है। तो इसमें अगर कुछ एसिड और बेस के नाम ध्यान में आ रहे हैं तो इसमें रखना है, इसमें बेस का नाम लिखना है, इसमें एसिड का नाम लिखना है, और उस बेस में कौन सा मेटल यूज़ हो रहा है। मेटल यूज़ होगा नॉर्मली, क्योंकि मैंने बताया मेटल के ही ऑक्साइड हैं वो क्या होंगे, बेसिक इन नेचर हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक हैं। तो नॉर्मली मेटल और नॉन मेटल ही आएगा, तो बेस और एसिड आपको ध्यान रखना लिखना है, और उसमें कौन सा मेटल यूज़ हो रहा है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहला बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है पहला बेस, तो मेटल कौन सा है, कैल्शियम है। सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें नॉन मेटल कौन सा है, देख लीजिए H2SO4 जब आप लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तो ये एक नॉन मेटल दिख रहा है, कौन सा, सल्फर। तो इसी तरीके से टेबल में आपको बनाना है, बेस लिखना है और एसिड लिखना है, उसमें मेटल और नॉन मेटल अलग अलग छांट के लिखना है, लिख के प्लीज़ भेजिए। वही इसमें दे रखा है, देखिए एक मिनट, सॉरी। नोट डाउन देयर नेम्स इन द टेबल 4.4, आइडेंटिफाई द मेटल एंड नॉन मेटल और द नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्स ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। वही चीज़ है, मेटल और नॉन मेटल छांट के उसमें से मतलब सेलेक्ट करके लिखना है, ओके। अब देखिए कि रिएक्शन विथ वाटर, लेट अस सी हाउ मेटल्स। अब मेटल और देखो नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल में जनरली आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है। आपने अभी ऑक्सीजन से देखा, अब वाटर से देखना है कि मेटल नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों मतलब अलग अलग वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ओके। थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर एक्टिविटी 4.5 कल डिस्कस करेंगे। ये टेबल आप जरूर कंप्लीट करके भेजिए, ये 4.5 कल से यहाँ डिस्कस करेंगे। कॉपी में पहले नोट्स बनाते चलें आप, ये एक टेबल देख लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से 4.5 एक्टिविटी से शुरू करेंगे, ओके। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, आई नो एंड यू नो, मतलब सबको पता है कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, या ऑक्सीजन वाटर के साथ बहुत तेज़ी से। सोडियम का अगर हम लोग मतलब आप लोग भी आगे चल के प्रैक्टिकल करोगे तो इतना तेज़ रिएक्शन होता है ना कि सोडियम की छोटी सी इतनी बड़ी सी सॉलिड रहती है उसको भी आप अगर पानी में डालोगे तो आग लग जाती, इतना तेज़ रिएक्ट करता है वो, ठीक है। ए लॉट ऑफ हीट, देखो यहाँ लिखा भी, ए लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, हीट और लाइट दोनों लाइट नहीं नॉर्मली हीट जनरेट होती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, और उसी से बचाने के लिए जो है उसको केरोसिन में रखा जाता है। ये चीज़ें फैक्चुअल हैं, ध्यान में होनी चाहिए आपको। ये थी कुछ चीज़ें अबाउट सोडियम मेटल, अबाउट देयर रिएक्टिविटी एंड हीट जनरेट होता बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने के बाद किससे, वाटर और ऑक्सीजन से, और इस वजह से उसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। यहाँ तक करिए 4.5 से कल मतलब नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी डिस्कस करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। थैंक यू।